हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, आज है डे 75 और आज वो दिन है जिसका हम हमेशा इंतजार करते हैं, यानी अपना रिपोर्ट कार्ड चेक करने का दिन। आज हम अपनी बॉडी को चेक करेंगे कि डे 60 से लेकर डे 75 तक आते आते बॉडी में कुछ चेंज आया है या नहीं आया है। जैसा कि हमें उम्मीद है, इस बार चेंज कोई बहुत अच्छा नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि पूरा फेस्टिवल वीक था ये। खूब खाया, कम वर्कआउट किया, तो ज़्यादा की उम्मीद तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या चेंज आया है या नहीं। और हाँ, आज संडे है तो संडे को हम वर्कआउट तो करते नहीं, लेकिन कार्डियो ज़रूर करते हैं। तो थोड़ा सा कार्डियो कर लेते हैं, उसके बाद अपना रिपोर्ट कार्ड चेक करते हैं। कार्डियो में सिर्फ 3 सेट पुशअप लेंगे और कुछ नहीं, क्योंकि बाहर तो हम कर नहीं रहे हैं, आज रूम में हैं। रूम में यही हो सकता है, पॉसिबल यही है, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और पुशअप्स। दोस्तों, इसके बाद हमारा 25 डे का सफर और बचा है और उम्मीद है कि उन 25 दिनों में हम थोड़ा और आगे तक जा सकेंगे। यहां से हमने शुरू किया था, वहां से कुछ आगे तो आए हैं, वो आज हम चेक करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा उसका प्रूफ। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टेन इलेवन थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन ट्वेंटी। हम इन 75 दिनों में कहां से कहां पहुंचे हैं, ये मैं आज आपको दिखाऊंगा। डे 1 में हम जो थे, और आज हो सकता है हमें देखने से पता ना चले कि कुछ चेंज आया है नहीं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा है जिससे हमें रियलाइज होगा कि वाकई में चेंज आया है। कुछ चीज़ें दिखने में पता नहीं चलती, समझ नहीं आती, लेकिन जब हम उन्हें महसूस करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो समझ आता है। चलिए सेट 2 लेते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फिफ्टीन ट्वेंटी। सर्दियां आ गई हैं, देखिए मैंने स्वेटर पहना हुआ है, क्योंकि अब हाफ टी शर्ट्स और टी शर्ट्स का टाइम गया। नवंबर का एंड चल रहा है, 20 तारीख है कल, आज कल 21 तारीख है, तो नहीं मुझे नहीं पता आज 19 है 20 है क्या है, पर हाँ 20 के आसपास हैं हम, और सर्दियां तो आनी लाजमी है। एक आखिरी सेट लेते हैं, क्योंकि वार्म अप हमें छोड़ना नहीं है। वार्म अप कहें या कार्डियो कहें, अगर मैंने आज कार्डियो भी छोड़ दिया ना, तो यशवर्धन कहेगा पापा आपने एक दिन एक्सरसाइज नहीं की और मैं चैलेंज जीत गया, तो हमें थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा। कार्डियो का दिन है तो कार्डियो जरूर करेंगे। तो कार्डियो कंप्लीट। हालत यह है कि 3 सेट पुशअप करके भी देखिए सांस कैसे चढ़ गया। तो अब इंतजार को खत्म करते हैं और करते हैं अपनी बॉडी को अनवेयर, देखते हैं क्या फर्क आता है। लास्ट टाइम की बॉडी आपको याद होगी, वो कंपैरिजन वीडियो मैं बना नहीं पाता हूँ, साइड में इधर पिछली बार का रख के आज का यहाँ रख के, आप खुद ही गैस कर लीजिए।
ये देखिए, ये लास्ट टाइम हमारा 16 से थोड़ा कम था, 15-16 था। तो आज देखें एक बार नाप कर, हो सकता है कि हमें इतना एग्जैक्ट रिजल्ट ना पता चले, लेकिन इंच टेप यहाँ है, मुझे भी नहीं मालूम कि इस बार बढ़ के आएगा या कम हो जाएगा या उतना ही आएगा। देखिए लास्ट टाइम ये 27 से थोड़ा कम था, आज पूरा एग्जैक्ट 27 पे आ रहा है, यानी 16 इंच हो गया है। जो थोड़ा सा कम था वो बढ़ गया है, और बाकी चेस्ट, शोल्डर, पेट में देखिए अभी भी वो बात नहीं है जो हमें चाहिए, एब्स तो इसमें कोई नज़र आ नहीं रहे, लेकिन हाँ टाइट ज़रूर हो गया, पहले की तरह नहीं है जैसे पहले वो थुलथुला सा पेट था, हाँ फर्क आया है। और फर्क क्या आया है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे पता नहीं चलेगा शायद, इसको रख देते हैं। और आपको याद होगा डे 1, डे 2, डे 3 में हम स्टार्टिंग के दिनों में हम शर्ट पहन के वर्कआउट किया करते थे, तो ये उन्हीं दिनों की शर्ट है, पहले दूसरे तीसरे दिन शायद हमने ये शर्ट पहनी होगी, आज इसको एक बार पहन कर देखते हैं। तब हम इसे पहनते थे तो यहाँ से लूज होती थी, चेस्ट पे से भी लूज होती थी, तभी हम इसमें वर्कआउट कर पाते थे और मैं बहुत कंफर्टेबल भी था। आज इसे पहनते हैं, अगर ये उस दिन की तरह कंफर्टेबल रही तो हम मानेंगे कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर कुछ लगा तो हमें फील होगा। देखिए आपको नज़र आएगा कि कुछ फर्क है, ये हाथ पे से पूरी टाइट है, हाथ बिल्कुल सीधा है, लेकिन शर्ट बिल्कुल फंसी हुई है दोनों हाथों पर, चेस्ट पर बटन खींच रहा है, जबकि पहले हम इसको पहन के वर्कआउट किया करते थे, अभी देखिए यहाँ से आपको खींची हुई दिख रही है ये, तो ये फर्क है, शर्ट फंस गई है। अब मैं इसे पहनकर फ्रीली बाहर घूम नहीं सकता, वो वर्कआउट करने के बारे में तो सोच नहीं सकता, अगर मैं इसे पहन के वर्कआउट करूँगा तो शायद बटन टूट जाएंगे या यहाँ से फट जाएगी, तो ये चेंज भी काफ़ी अच्छा चेंज है, हमें 75 दिनों में ये चेंज नज़र आया है, जो शर्ट हमें पहले फ्री साइज थी वो आज स्लिम फिट हो गई है, या हम स्किन फिट भी कह सकते हैं। आगे 25 दिन और हैं जिसमें हम अपनी बॉडी को दो बार और चेक करेंगे, एक्सट्रीम वर्कआउट करेंगे क्योंकि बिल्कुल क्लाइमेक्स पे हैं, अब हम डे 90 पे अपनी बॉडी को चेक करेंगे, और उम्मीद है इस बार रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे, इस बार भी कोई इतने बुरे रिजल्ट्स नहीं, लेकिन इससे अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद करेंगे, फेस्टिवल जा चुके हैं फिर से वर्कआउट पर फोकस करेंगे। और मैंने सोचा है क्योंकि आप लाइव वर्कआउट के मूड में हैं नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप लाइव वर्कआउट देखना चाहते हैं, क्योंकि एक भी मैसेज मेरे पास नहीं आया, तो मैंने सोचा है कि 100 डेज कंप्लीट होने के बाद हम वो 75 हार्ड चैलेंज जो है, कि 75 दिन तक हम कुछ हार्ड चैलेंज है वो लेंगे, इंटरनेट पर इसको काफ़ी फेमस हो रहा है वो 75 हार्ड चैलेंज, तो मुझे लगा कि हमें भी कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो 75 हार्ड चैलेंज लेकर शुरू करते हैं। अभी हम 100 डेज के चैलेंज में, फिर 75 डेज के हार्ड चैलेंज में रहेंगे, वो हम शुरू करेंगे जब ये 100 डेज का वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, उम्मीद है वो भी आपको इसी तरह पसंद आएगा और आपका प्यार इसी तरह उसको भी मिलता रहेगा जैसे इस वर्कआउट चैलेंज को आप प्यार दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल चेस्ट और साथ में एक और वर्कआउट लेंगे, अब से हम एक दिन में दो बॉडी पार्ट लेंगे पूरे 15 दिन के सेशन में, तो कल से दो बॉडी पार्ट करेंगे और चेस्ट के साथ क्या लेंगे वो कल देखेंगे, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।